रिस्क में बरकत का एक बहुत बड़ा जरिया शुक्र है। इरशाद फरमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे वो तुम्हें और ज्यादा अता करेगा, और अगर तुम शुक्र नहीं करोगे, वाला इन कफर, तुम कुफराने नेमत करोगे, इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो फिर मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। रिस्क के इजाफे का एक और बहुत बड़ा सबब इन्फाक फी सबीलिल्लाह है। अल्लाह फरमाता है, जो तुम खर्च करते हो तो जो चीज तुमने निकाल दी उसकी जगह अल्लाह तुम्हें और अता कर देता है। बाज़कात हमारा ये होता है कि कोई आदमी माली बोहरान में आ गया तो वो करता क्या है कि जो राह खुदा में देने का खाता था पहले उसे क्लोज करता है। ये फला मदरसे को देते हो ये भी बंद कर दो, ये मस्जिद को देते हो ये भी बंद कर दो, ये फला गरीब को देते हो ये भी बंद करो, हालात टाइट हो गए हैं। लेकिन पांच गाड़ियां हैं तो दो गाड़ियों पे गुजारा कर लिया जाए, पेट्रोल बचे, ये नहीं हो सकता। घर के लक्षण वही हैं, लेकिन बंद कहां से किया? जहां से रिज्क आना था। हमें तो ये हुक्म दिया है, जब रिज्क तंग होने लगे सदका दे के रब से कारोबार कर लो, सदके से तुम्हारे रिज्क में इजाफा होगा। ये रब का वादा है और अल्लाह के वादे झूठे नहीं हो सकते। रिज्क की बरकत का एक और बहुत बड़ा जरिया अन-निकाह है। फरमाया, अगर तुम निकाह करोगे तुम फकीर हो, वो तुम्हें गनी कर देगा। लोग कहते हैं बच्चा पैरों पे खड़ा हो ले तो फिर निकाह करेंगे। अल्लाह कहता है तुम निकाह करो, हम पैरों पे खड़ा कर देंगे। हमारा फलसफा अपना है, उसका हुक्म अपना है। वो कहता है अभी तो ये अपने लिए नहीं कमाता तो जो आएगी उसको कहां से खिलाएगा? मियां, जिसने आना है उसने अपना रिजक लेके आना है। तो बच्चों की शादियां करो, अगर वो जवान हो गए रिज्क नसीब होगा। अपने अहले खाना को नमाज के हुक्म देने से रिजक बढ़ता है, क्योंकि जो सुबह का वक्त होता है ये रिजक के बटने का वक्त होता है, और जिस घर में सुबह के वक्त लोग सोए हुए होते हैं वहां बेबरकतियां होती हैं। तो तुलुए फजर से लेकर के तुलुए आफ्ताब तक अपनी औलाद को, बीवी को, बच्चों को न सोने दें, उस वक्त रिस्क बटने के लम्हे होते हैं। कसीर दुआएं मांगें, तलावत कलाम मजीद पढ़ें, और नमाज फजर मर्द हजरात मस्जिदों में जाके बाजमात अदा करें, और घरों में जो है वो बेटियां बहनें मुसल्ले बिछा लें तो अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होगा। अब एक हदीस में रिज़्क के इजाफे का एक और नुस्खा इरशाद किया गया। मेरे हुजूर ने फरमाया, जो शख्स ये चाहता है कि उसके रिज़्क में बरकतें हो और उसकी उम्र में इजाफा हो तो वो अपने रिश्तेदारों के साथ सलूक अच्छा करे। रिश्तेदारों के साथ अगर अच्छा सलूक करोगे तो फिर तुम्हारे रिज़्क में बरकत हो। गरीब हैं तो उनकी मदद करो, उनकी बेटियों की शादियां अपने जुम्मे ले लो अगर अल्लाह ने आपको वसत दी है, उनकी परेशानियां बांट लो, उनका कर्जा है तो उतारने की कोशिश करो, उनको मुश्किलात से निकालने की कोशिश करो। तुम उनको मुश्किलात से निकालोगे, अल्लाह तुम्हें मुश्किलों से निकालेगा। तुम्हारे रिस्क में भी बरकतें होगी और तुम्हारे माल में भी बरकतें होंगी। फरमाया, बेहतर सदका वो है जो नाराज गरीब रिश्तेदार को दिया जाए। अगर वो फंस गया है, मजबूर है, नाराज है, तो उसको अगर देंगे तुम्हारा नफ्स उसमें शामिल नहीं होगा, तो ये अफजल सदका है जो हर सूरत में कबूल ही कबूल है। रिस्क के इजाफे का एक और सबब अल एहसान इला दुआफा, जो कमजोर लोग हैं उनके साथ उसने सलूक करना। अल इन्फाक अला तलबतिल इल्म, तालिब इल्मों पे खर्च करना, ये भी रिस्क में इजाफे का सबब और जरिया है। वो हजरत बाबा फरीद ने कहा ना, छठा रुकन दीन का रोटी है, घर में कुछ ना हो तो फिर ना नमाज और ना ही दीगर उमूर की लज्जत आती है। तो ये रिज़्क फरावां और वसी और मुबारक नसीब कर दे अल्लाह, तो उसके लिए एक और वजीफा मैं देता हूँ, और वो ये कि मगरब के बाद 21 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ लें, कसरत हो जाएगी इंशाल्लाह। अव्वल अखदूशी पढ़ लें, 5-7 मिनट लगते होंगे, तो सूरह कौसर 21 मरतबा रोजाना मगरब की नमाज के बाद पढ़ें, और अगर बहुत ज्यादा मसाइल हैं तो हर नमाज के बाद पढ़ लें, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि घर में बरकतें उतरती महसूस होंगे, अनवार का नजूल होते महसूस करेंगे। तो ये वो रिस्क के असबाब हैं, अगर हम इख्तियार कर लें तो हम अल्लाह की खास रहमतों के हकदार होंगे। अल्लाह हम सबको रिस्क के हलाल, रिस्क के वसी, रिस्क के सहल, रिस्क के मुबारक, रिस्क के फरावा नसीब फरमाए।